निजी टीवी के प्रोग्राम के दौरान साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद रो पड़े, इसकी क्या वजूहात हैं? शेख रशीद अश्कबार क्यों हुए? निजी टीवी के प्रोग्राम में अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद से मुख्तलिफ सवालात किए गए, जिसके जवाब में सीनियर सियासतदान का कहना था कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। असेंबलियां तहलील और नए इंतखाबात से मुतालिक 15 से 20 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद का कहना था कि फौज ने इन्हें ये कभी नहीं कहा कि इमरान खान का साथ कभी न छोड़ना, इस हवाले से मुझे किसी ने तंग नहीं किया। इमरान खान को इक्तदार से हटाने की बात कप्तान के हक में साबित हुई और मौजूदा हुकूमत की सियासत दफन हो गई। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, 1.5 साल बाद इलेक्शन होते तो हमारी हालत नून लीग से शायद ज्यादा खराब होती। बराह रास्त प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद बेसाख्ता रो पड़े। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का रोते हुए कहना था कि अल्लाह से दुआ मांगी है, उन्होंने लोगों को खाने काबा के दरवाजे के नीचे पाकिस्तान के लिए रोते देखा है। अल्लाह से दुआ भी मांगी है, मैंने हतीम के नीचे लोगों को रोते हुए देखा है। पाकिस्तान के लिए लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, खाना काबा के दरवाजे के नीचे छाती लगा के लोग रो रहे थे। मुल्क की सालमियत फौज की जिम्मेदारी है, ये दुनिया की अजीम तरीन फौज है, ये मुल्क फौज और सियासतदानों का भी है।